ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको परेशानियों और चिंताओं पर ध्यान देने की बजाय अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के, विश्वास रख के उन चिंताओं का, उन परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करना है और पूरे विश्वास के साथ में इस पर आप कदम उठाइएगा। अपना फोकस जो है वो अपने काम के ऊपर और जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाइएगा। अगली जो राशि है वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। आज के दिन आपको कई अवसर ऐसे मिल सकते हैं जिनसे आपके लाइफ में तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है। बस किसी भी बात में तालम टोल वाला नजरिया मत अपनाइएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। आई एम द बेस्ट। व्यवसाय में लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि धनुराशि, धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, हर तरह की फिकर, हर तरह की चिंता, जो भी पुरानी बातें हैं, नेगेटिविटी जो है, ये डिप्रेशन बुलाती है, इन सब बातों को भूल जाइए। भविष्य के ऊपर नजर रखते हुए आज मिलने वाले अवसरों पर ध्यान दीजिए। मनुष्य जीवन मिला 64 लाख योनियां पार करिए और इस जीवन को हम डिप्रेशन में गुजार दें, वाई क्यों भाई? हमारे जीवन में इतने नहीं तो वरदान है, उनको पहचानिए और खुशी से जिए ना। काहे का डिप्रेशन है बेटा, लिव दिस डिप्रेशन। थोड़ा सा हार्डवर्क की जरूरत है कार्य क्षेत्र में, फल तभी मिलेगा। आज के दिन के सफलता के लिए जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार कुछ दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम तीन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक जुड़े हैं, बीकानेर से नरेंद्र जी हैं, जो कि अपनी धर्म पत्नी पार्वती के लिए जानना चाहते हैं। पार्वती जी की जन्म की तारीख है 2/9/1989 और जन्म का समय है सुबह का 11:35 का। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नरेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। बोलिए बेटा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। गुरुजी, वो पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना था। इसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है हर समय और अभी 3 महीने प्रेग्नेंट है वो, तो आगे कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए उसका क्या करना चाहिए? हर समय थकान रहती है शरीर में, सुस्ती रहती है, शरीर बहुत कमजोर है उनके, हर समय कुछ ना कुछ इसके प्रॉब्लम रहती है शरीर में। देखो बेटा, ऐसा है नरेंद्र, आपकी जो धर्म पत्नी है लक्ष्मी रूपा पार्वती, उनकी जन्म कुंडली में एक तो राहु की मां दशा चल रही है, ऊपर से इनकी जन्म कुंडली में बीमारी के घर का स्वामी, आयु स्थान का जो स्वामी है शुक्र, वो नीच का होके बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं उनके पेट से संबंधित बीमारियां और ये सब चीज़ें करवा देता है। तो क्या करना है? तो तुरंत प्रभाव से वजन के बराबर गुड़ का दान, जितना आपकी वाइफ के वेट है उतना गुड़ का दान बुधवार के दिन गौशाला में जाके गाय को खिलाना है, पहला काम। दूसरा, खूब हरे कपड़े पहनाने, हरी सब्जियां खूब खिलानी है इनको, हरे रंग का प्रयोग कीजिए, बेडशीट भी हरे रंग की हो। और तीसरा जो है, चूंकि राहु की मां दशा चल रही है, गोमेद रत्न आता है, गोमेद रत्न जो है वो मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लें 5.25 रत्ती का चांदी में, रविवार के दिन पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो इनके नाम से वहाँ दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाइए। सोते समय जो इनका सिर है वो या तो पूरब दिशा में होना चाहिए या दक्षिण में होना चाहिए, यानी पूरब में सिर रखें तो पश्चिम में पाँव हो और दक्षिण में सिर रखें तो उत्तर में पाँव हो। सोने की जो डायरेक्शन है उसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, गुड़ का दान करिए और उसके साथ में ये डायमंड जो जैसी जो चीज़ें होती है वो इनको कभी जीवन में नहीं पहननी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, डायमंड इनको नहीं पहनना है, बाकी सब कुछ अच्छा है। ओम रीम षष्ठी देवे स्वाहा, ओम रीम षष्ठी देवे स्वाहा, ओम रीम षष्ठी देवे स्वाहा, इस मंत्र का नियमित रूप से अगर जाप करती रहती है, सुंदर सुयोग्य जो है सुलक्षणों से युक्त संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए दर्शकों, भी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम तीन राशियों की, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि की बात कर लेते हैं जल्दी से। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके बेटर के लिए हैं, परेशान मत होइएगा। करियर यदि चेंज करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू चेंज।
कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के वृक्ष में जल का प्रदान कीजिएगा। अगली जो राशि कुंभ राशि, मन में कई बातों के कारण स्ट्रेस तनाव हो सकता है, दूसरों की बातों में मत आइएगा, आपकी सोच आपकी समझ से भी काम लीजिएगा, चिंता करने की बजाय उसका हल निकालने का प्रयास कीजिए। कौवे को आज खीर खिलाएं तो दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि मीन राशि, बड़ों की सलाह अवश्य लीजिए कोई भी काम करें उससे पहले। कार्यक्षेत्र में किसी बात के कारण आपके मन में तनाव हो सकता है, घबराइए मत, जल्दी सिचुएशन आपके फेवर में होने जा रही है। आज किसी की आलोचना नहीं करने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो चलिए दर्शकों, बिगल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया आप सभी के लिए। दोस्तों, हम जो मनुष्य हैं वो गलतियों के पुतले हैं। जाने अनजाने में बहुत सारी हमसे गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, गलत आदतें जो हैं वो हमारे अंदर पनप जाती हैं, जिनके शुभाशुभ परिणाम से हम हमेशा अनजान रहते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ आदतों पर विचार करेंगे, साथ ही घर में सुख समृद्धि के लिए कुछ अन्य बातों की भी आज मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कभी भी बैठे बैठे पांव मत हिलाइए। ये जो लोग पांव हिलाते हैं जीवन में, ऐसे लोगों को बाधाओं का सामना करना पड़ता है, पेट हमेशा खराब रहता है। अगर घर की कोई खिड़की का शीशा टूटा हो तो तुरंत बदलवा दीजिए, किसी कारणवश नहीं तो बेइज्जत होना पड़ सकता है। वहीं बगैर चाबी के ताले जो है वो घर में अगर रखे हो तो बाहर फेंक दीजिए। किसी बक्से के अंदर ताला लगा हुआ हो और चाबी खो गई हो तो ताला तोड़कर नया ताला लगवा दीजिए, नहीं तो घर में भयंकर मुसीबतें आती हैं। घर में कभी भी झाड़ू खड़ी करके ना रखे, कोई लाठी डंडा इत्यादि पर लिटाकर ही रखना चाहिए। घर में छोटे मुंह की बोतलें, शीशिया, मर्तमान आदि नहीं रखना चाहिए, अन्यथा घर में बरकत नहीं होती है। और रसोई घर में हमारी महिला दर्शकों के लिए, बर्तन सीधे न रखें, उल्टे करके रखें, क्योंकि खुले बर्तनों में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। खुले बर्तनों कीड़े मकोड़े मकड़ी आदि घुसने का भी डर रहता है। किसी अंगूठी का नग निकल गया हो तो तुरंत नग डलवाइए, अन्यथा मानसिक शांति भंग हो जाती है। और जिंदगी में तरक्की चाहते हैं तो तर्क वितर्क लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। रसोई घर में कदापि सोना नहीं चाहिए। कईयों की आदत होती है बैठे बैठे उंगलियां चटकाने की, ये आदतें बड़ी गलत है। घर में दरिद्रता का वास होता है और ये मुख में नाखून कुरेदने की भी बहुत से लोगों की आदत होती है। ऐसे व्यक्ति जो है वो मानसिक रोगी हो जाते हैं, मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और बहुत से लोग आपने देखे होंगे पाँव को घसीट घसीट कर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो पाँव को घसीट कर चलते हैं वो अपने जीवन में परेशानियों को आमंत्रित करते हैं। अगर कन्याएं, बच्चियां, लड़कियां ऐसे चलती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन कभी भी सुखमय नहीं रहता है। कदम उठा के चलिए, जमा के चलिए, घसीट के मत चलिए, सरल सी बातों का ध्यान रखिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आप हमें सोमवार से शुक्रवार कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी सभी समस्याओं के आसान से हल। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।